वी एस सी एग्जॉटिक पेट्स में आपका स्वागत है। न्यू अनबॉक्सिंग है ये। टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे सेट करते हैं और कैसे बाय करें, और वारंटी के साथ मिलेगा आपको टेम्परेचर कंट्रोलर, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा आप लोगों को। आप लोग जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। 1 साल की वारंटी होती है इसकी, ठीक है। और मुझे तो ज़्यादा महंगा लगा नहीं भाई। मैं आपको जेन्युइन बात बताऊँ तो, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी चीज़ अगर लेते हैं 300 से नीचे की, तो आपको वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ेगा। ये सेफ लगा मुझे, वारंटी के साथ मिला है, और मैं किसी भी ब्रांड की वो नहीं कर रहा। हमें मतलब है कि हमें अच्छी चीज़ मिले, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी कैसे सेट होता है। तो पहले हम अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। कंपनी है, और आप ऑनलाइन जाके, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह पे मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता ही, ठीक है। और आप जाके उस पर लिंक शेयर, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। मेरे को ज़्यादा महंगा लगा नहीं। ये एसी पे चलता है, यानी डायरेक्ट लाइट पे चलता है, 200 वाट का। एक डीसी भी आता है, तो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। अभी तो हम देखते हैं। ऐसे पैक आता है, बहुत छोटा होता है, मगर बहुत कारगर निकला ये। और अगर इसकी वीडियो देखनी है आपने इंक्यूबेटर की और ब्रूडर की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा विथ रिज़ल्ट आपको दिखाऊं। ये देखिए, इतना छोटा सा आता है, और जेन्युइन मानिए, कहते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, वो चीज़ें। बहुत बढ़िया निकला ये, मैंने यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले वीडियो इसलिए नहीं डाली, मैंने कहा पहले खुद यूज़ करो फिर दूसरों को बताओ। ये देख रहे हैं आप, 200 वाट का है, 220 वाट की डायरेक्ट लाइट पर चलता है, और इधर वाले से अप होती है लाइट और उधर वाले डाउन होती है, जो कि मैं आपको अब फोटोज़ में दिखाता हूँ। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है, देख सकते हैं आप ये वाला, और बहुत बढ़िया निकला ये। एसी पे चलता है, ठीक है, डायरेक्ट लाइट में आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है टेम्परेचर कंट्रोलर, देख रहे हैं आप। पावर सप्लाई, आउटपुट सब स्पीकर पर लिखा हुआ आता है, और इनका मतलब है लाइट अंदर जाएगी, आउट का मतलब है बाहर जाएगी। और थोड़ा सा पक्षियों का शोर आ रहा होगा, उसके लिए मैं आपको से माफ़ी चाहता हूँ। ये देखिए, ये सारा मैनुअल वगैरह आता है इसके साथ। भैया आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये लगा दिया है अपने यहाँ पर, और बल्ब जल रहा है। तो आप लोगों की इनकी सेटिंग बता दूँ, ये बल्ब की ये तार जारी है, ये एक रेड कलर की तार दिख रही होगी आपको, आपके वालों में भी आएगी रेड कलर की तार। इसमें हमें करंट देना होता है, ये देखिए आप, रेड वाले में करंट देना होता है, पूरा दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसे कहते हैं इनपुट, ठीक है। और जो येलो और ब्लैक दिख रही है आपको, इससे आउटपुट आता है, इससे करंट अंदर जाएगा और इससे करंट बाहर आएगा, जो कि आपको बल्ब में देना है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक इनपुट एक आउटपुट। ऑरेंज वाली जो है, इसके अंदर ही आपको ऑरेंज दिख रही है, ये रेड से जोड़नी है। ब्लैक दिख रही है, न्यूट्रल होता है, जो न्यूट्रल से जोड़ना है, रेड रेड से जोड़नी है, ब्लैक ब्लैक से जोड़नी है। ये लाइट अंदर जाएगी और ये इससे बाहर आएगी बल्ब से, और ये लगा रखा है जो आपको पता है टेम्परेचर मेंटेन करता है, बताता है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे 22.6 हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, बल्ब लगा हुआ है। और बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इससे भाई, टेम्परेचर नीचे होता है, आपको कितना नीचे रखना है, और इससे टेम्परेचर अप होता है। अप इन द सेंस मैं 30.7 रखता हूँ और कम रखता हूँ 35। जैसे 35 टेम्परेचर होगा, ब्लफ ऑन हो जाएगा, 37.7 होगा, ब्लफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। और जो भाई इंक्यूबेटर में इसको यूज़ करना चाहते हैं, मैं उन्हें पहले बता दूं, इसके अलावा एक 12 वॉट का चार्जर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। डीसी के वो डीसी फैन लेना पड़ेगा, सीपीयू फैन आपको जोड़ना पड़ेगा अपने चार्जर से, 12 वॉट का चार्जर से, और उसको डायरेक्ट चार्जर को इसमें लगा के सीपीयू फैन लगाना पड़ेगा। अगर आपको उसकी वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको ब्रूटर का पूरा सेटअप और इंक्यूबेटर का पूरा सेटअप बना के भी दिखाने की कोशिश करूंगा विद प्रूफ। तो देख सकते हैं आप, मैं एक बार दोबारा बता दूं आप लोगों को,
ये इन है, यानी लाइट इससे अंदर जाती है, आपको डायरेक्ट लगाना है। ये 220 वाट का है, ठीक है। इसमें एक एसी आता है जो 220 वाट का, एक डीसी आता है जो 12 वाट का होता है, तो आप दोनों ले सकते हैं। और एक ये इससे हमारे को बल्ब लगाना है येल्लो वाले। दूसरी बात आपको ये बता दूँ, ये जो है अपना थर्मोमीटर, ये जो है अपना टेम्परेचर कंट्रोलर, देख सकते हैं आप, इसकी एक साल की वारंटी है। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप खरीद सकते हैं। एक साल की वारंटी है इसकी, वारंटी कार्ड सब कुछ आता है इसका, और उसके साथ कंप्लेंट वगैरह भी आती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, टेम्परेचर कैसे सेट करना है, सर्दी गर्मी दोनों में काम करता है।